सलाम वालेकुम। किधर वालेकुम अस्सलाम। है? पुणे में है कि? अभी तो कोई आया नहीं। हाँ, पूना में आ गए क्या? हाँ, पूना में है क्या? वहाँ किधर है? सर पूना में क्या आ गए? कब आए? कब सर? आए? दो सर 1-2 दिन। दिन हो गए ना। चलो ठीक है, थोड़ा क्लासेस सीरियसली करो, है ना? तुम क्लासेस थोड़ा सा, बहुत एब्सेंट ज्यादा है तुम्हारा। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम थी? नो सर। अभी यहाँ आ गए तो सीरियसली करो, ठीक है ना? अपने को 91 से आगे यस निकलना है। हाँ, यस 91 से आगे निकलना है, मेरे को नहीं मालूम बाकी का। हाँ, तुम्हारे दोनों के ऊपर बहुत कुछ, बहुत उम्मीदें लगी है मेरी। लगी नहीं लगी? क्या सर? अरे, तुम्हारे यस सर दोनों के ऊपर कितनी उम्मीदें हैं। हाँ, यस बिल्कुल याद रखने का, बात को गड़बड़ नहीं करने की, ठीक है ना? ठीक है, चलो अभी आएंगे बच्चे तो अपन क्या करेंगे। ओके, इंशाल्लाह। कहाँ है बाकी? आई नहीं, मदी माइक नहीं, उसके बाद धनश्री नहीं, सानिया नहीं, फायजा नहीं। तो देर करते यार बच्चा आने को। चलो, कौन अभी सानी आ गया, और बाकी है कौन कौन? धनश्री, महक, फैजा, तीन बाकी है। देखते हैं, 1-5 मिनट, 2-4 मिनट रुकते हैं, नहीं तो अपन शुरू कर दे। तब तक अपने प्रूफ, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के 6 नाम लिखे थे। मॉर्फोलॉजिकल है ना? हाँ, पहला मॉर्फोलॉजिकल है, तो 6 नाम, 6 प्रूफ है। वो चैप्टर चाहिए थे, बाकी कुछ नहीं है। एक डीएनए, आरएनए मतलब क्या, और इवोल्यूशन के प्रूफ, इसके अलावा कुछ नहीं। आयन, ये चैप्टर में 2 पॉइंट है सिर्फ, मेन एविडेंसेस, 6 एविडेंसेस और
डीएनए आरएनए मतलब क्या, बस। और ये अच्छे से याद करने के क्वेश्चन आंसर लिखे, क्वेश्चन आंसर लिख के शुरू करने का, तब तक मेरे वो अपना चैप्टर खत्म हुए तक इंतजार नहीं करने का, क्वेश्चन आंसर लिखने का, याद करने का, शुरू कर देने का, बगैर देखे क्वेश्चन आंसर लिखते आने मन। अरे आ जाओ रे, अरे वो इसका तो प्रॉब्लम है, किसका, धनश्री का क्या प्रॉब्लम है, उनके घर पे कुछ तो 8:15 बजे के मोबाइल, कोई तो भी 8 साढ़े 8 बजे आते, तो उसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलो क्या अपने क्या करने का, तुम्हारे मरिया तुम्हारे स्कूल के क्लासेस हो रहे क्या, ऑनलाइन क्लासेस स्कूल के हो रहे क्या, यस हो रहे ना, कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं, चैट करके बोलो मंगता तो, कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं, सभा तुम्हारे कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं, स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस हो रहे क्या, ट्यूशन के क्लासेस नहीं बोल रहा मैं, अपने स्कूल के क्लासेस। ओके, 11 से 1, 10:40 मतलब 11 से 1, सपा के नहीं हो रहे तो सपा, अपने को ये अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी फिर। हाँ, स्कूल वाले नहीं रह रहे तो अपने को कोई मतलब नहीं। अच्छा मलिया, दो ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे के, सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे, साइंस और मैथ्स ही पढ़ा रहे के, बाकी भी, मेरे को माइक ने बोला था कि साइंस और मैथ्स ही ज्यादा ले रहे। अच्छा, ऑल सब्जेक्ट सारे गुड। और वो ठीक है, सानिया की सुबह 7 से 10 है, ठीक है चलो शुरू करते हैं। वो जन तो बच्चे आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, क्या फर्क नहीं पड़ता हमने। चलो सर, पहला है मॉर्फोलॉजिकल इविडेंसेस, है ना, इवोल्यूशन होता गया मतलब दुनिया में पहले जो लोग आए थे, पहले जो जो भी एनिमल या फिर प्लांट्स आए थे, वो धीरे धीरे हजारों साल में उनमें कुछ चेंजेस होते गए, और चेंजेस होके उसमें फर्क पड़ा, ये प्रूफ, ये इवोल्यूशन है, और इसके लिए प्रूफ है। तो पहला है मॉर्फोलॉजिकल, ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस, नोट दैट द सिमिलरिटीज बिटवीन गिवन एनिमल। फोटोज है, बोले एक एनिमल है उसमें क्या सिमिलरिटी देखो, बोले एनिमल के, और कुछ प्लांट है उसमें क्या सिमिलरिटी है देखो, बोले प्लांट और इमेज, है ना। ये अब इनका बोलना है, ये मॉर्फोलॉजिकल इविडेंसेस है, ये जो दिख रहा है ना, उनका बोलना है। अब है क्या, वेरियस सिमिलरिटी, स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर नॉस्ट्रिल्स, ईयर, पेनी एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन द बॉडी आर सीन एनिमल्स, वेयर एज द सिमिलरिटीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लाइक लीफ शेप, लीफ वेनेशन, लीफ पेटियोल एक्सेट्रा ऑकर इन द केस ऑफ प्लांट्स। दिस इंडिकेट्स दैट देर आर सम सिमिलरिटीज इन दोज ग्रुप ऑफ, हिज द प्रूफ दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड हैव कॉमन एंसेस्टर्स। तीन जानवरों की चीज देखो, इनका, इसका मुंह किधर है, इसका मुंह किधर है, इसका मुंह किधर है, इसकी आंखें के पोजिशन ऑफ आईज किधर है, इसका पोजिशन ऑफ आईज किधर है, पोजिशन ऑफ आईज किधर है, कान कितने हैं, इसको 15 कान है, इसको 15 कान है, इसको 27 कान है, इसको 203 कान है। मतलब ये हुआ कुछ तो सिमिलरिटी, हालांकि अलग है, ये कौन है, डॉगी है, ये शिप है, ये फॉक्स है, अलग है, पर बहुत सारी सिमिलरिटीज है उसमें, उनके बॉडी पे हेयर है, बॉडी पे हेयर है, तो सिमिलर। इसका मतलब ये हुआ कि इनके एंसेस्टर जो थे वो ऐसा बोल रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब वो बोल रहे कि इनके जो एंसेस्टर थे, ये जहां से पैदा हुए, बाद में अलग अलग होते गए, पर स्टार्ट में हजारों साल पहले
इनके एंसेस्टर एक ही थे, बोल रहे हो, इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल इविरिथम। वेरियस सिमिलैरिटीज ऑफ माउथ पोजिशन वगैरह वगैरह पिनिथिकली ये कॉमन थे, इसका मतलब इनका एंसेस्टर कॉमन था, दिस इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल इविडेंसेस। सिमिलरली इन प्लांट्स ऑल्सो शेप ऑफ दिस लिप्स, वेनेशन ऑफ लिप्स, उसके ऊपर वेन जो है वो, और उसके बाद में उसके पेटियोल, लीफ के पेटियोल, फ्रूट का शेप, है ना, ये सारी चीजें प्लांट्स में भी सेम थी। मतलब ये जो तीन अलग अलग प्लांट है, इनका जो एंसेस्टर थे स्टार्ट में, जो जहां से अलग अलग होते गए, ये सेम थे, इसको बोले उन्होंने, सिंपल है, इसको क्या बोले उन्होंने, दिस इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल इविडेंसेस, दिस कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल इविडेंसेस। मॉर्फोलॉजी मतलब सिमिलैरिटीज, मॉर्फोलॉजिकल इविडेंसेस, मॉर्फोलॉजिकल इविडेंसेस पहला लिखो, पूरा के पूरा लिखो, मॉर्फोलॉजिकल इविडेंसेस मतलब क्या, और इसमें क्या क्या पॉइंट है, एनिमल्स के तीन पॉइंट्स, सॉरी एनिमल्स के पॉइंट्स, पहले स्ट्रक्चर ऑफ माउथ एक, पोजिशन ऑफ आईज दो, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रियल तीन, एंड ईयर पिनी, थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स, एक दो तीन चार और पांच चीजें। एनिमल के बारे में पांच चीजें सिमिलर पाई गई तो उसके वजह से सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, और प्लांट्स के बारे में डीप शेप वन, वेनेशन टू, डीप पेटियोल तीन, इसके वजह से ये पूरा लिखने का, हेंस सिमिलैरिटीज आर फाउंड, दिस इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल इविडेंसेस, मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर्स। चलो लिख दो, पहला पार्ट कब खत्म, लिखो पूरा पैराग्राफ एकदम अच्छे से लिखो, उसको क्वेश्चन आंसर तो लिखेंगे हम, पर चलो लिखो। मॉर्फोलॉजिकल समझ में आया, कुछ इतनी ही चैप्टर, मतलब ऐसा मैं बोला ना, ये सारा हिस्ट्री की जैसा पढ़ने का, कट 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 स्टोरी के जैसा, स्टोरी के जैसा पढ़ के हो जाता हूँ। मॉर्फोलॉजिकल इविडेंसेस, हो गया पहला मॉर्फोलॉजिकल। चलो दूसरा, मैं ये दो तीन एक साथ बता देता फिर तुम लिखो मांगता था। चलो दूसरा एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर्स देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलरिटी बिटवीन ह्यूमन हैंड, फोर लेग ऑफ ऑक्स, फ्लिपर ऑफ व्हेल एंड पेंटेजियम पेटेगियम ऑफ अ बैट। सिमिलरली यूज ऑफ ईच दो स्ट्रक्चर्स इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल्स, हाउएवर there is a similarity in the structure of the bones and bone joints of organs of each of these animals. This similarity indicates that those animals may have common ancestors. देखो, इंसान का हाथ, ox, ox मालूम ना, ox का foreleg, और patagium of bat, bat का पर्दा जो रहता ना वो, और flipper of a whale, इसमें क्या देखो similarity दिख रही bone के अंदर, हालांकि सारे अलग है, human being का हाथ, ox का, ऑक्स मतलब बैल का फोर लेग, उसके बाद में बैट मतलब व्हाट क्या बोलते हैं उसको, चमगादड़, वटवागुड़, है ना, उसका वो पर, और व्हेल मछली का फ्लिपर, जो नहीं का व्हेल मछली वो ये करती, कान बड़ा रहता उसका, उसके अंदर जो बोन का ढांचा है, उसके अंदर जो बोन का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है यार, कुछ तो रहेगा उसमें कॉमन, सिमिलर दिख रहा है, यहाँ भी हड्डी ऐसी बहुत सारी बोन जुड़ी हुई है, यहाँ पे भी जॉइंट है, यहाँ पे भी जॉइंट है, तो ये यहाँ पे भी मूव करता है, यहाँ पे मूव करता है, यहाँ पे मूव करता है, तीन चार जगह पे मूव करता है, वैसे ये भी तीन चार जगह पे मूव करने की फैसिलिटीज है, ये भी तीन चार जगह पे मूव करने की फैसिलिटीज है, इसमें भी जैसा उंगलियां तीन दो तीन से मूव कर सकती है, यहाँ पे भी वेट मछली का, तो बोन का स्ट्रक्चर सेम है, हालांकि चारों के चारों अलग है, तो इसका मतलब इनके एंसेस्टर सेम थे, ऐसा बोल रहा हूँ। तो बोन स्ट्रक्चर मतलब एनाटॉमिकल, एनाटॉमी मतलब क्या, एनाटॉमी किसको बोलते हैं, ढांचे को, स्ट्रक्चर को एनाटॉमी बोलते हैं आप, स्ट्रक्चर काय का बनता, हड्डियों का बनता, तो बोन का है इसलिए इसको एनाटॉमिकल इविडेंसेस बोला गया। पहला हो गया मॉर्फोलॉजिकल, है ना, पोजीशन आईज वगैरह वगैरह मॉर्फोलॉजिकल हो गया, दूसरा बोन स्ट्रक्चर की वजह से, और किसका किसका लिए होते हैं, ह्यूमन हैंड,
फोर लेग ऑफ ऑक्स, पैटेजियम ऑफ बैट, फ्लिपर ऑफ व्हेल. दूसरा इसका मतलब हुआ इनके एंसेस्टर कॉमन थे, ऐसा इवोल्यूशन की थ्योरी बोल रही. सेकंड पॉइंट हुआ, आपको लिखना है पर मैं अभी खत्म कर रहा हूं इसको. दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, विच ऑफ ये, चलो ये देख लेते. कैन यू टेल विच आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी इन ऑर्गेनिज्म, ईच ऑफ दिस ऑर्गन यूजफुल इन ऑर्गेनिज्म. ह्यूमन हैंड का इस्तेमाल काय के लिए होता, फोर लेग ऑफ ऑक्स का इस्तेमाल काय के होता, पेंटेजियम ऑफ बैट का इस्तेमाल क्या करता, फ्लिपर का काय के होता, ऐसा बोल रहे. चलो जाने दो, वो आपको मालूम है काय के लिए होता, आप देख भी सकते वीडियो में. चलो नेक्स्ट इज वेस्टिजियल ऑर्गन्स, थोड़ा सा अलग है वेस्टिजियल ऑर्गन्स. डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स. डेफिनेशन लिखना पड़ेगी. बॉडी में बहुत सारे एनिमल्स के और प्लांट्स के भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स है, ज्यादातर एनिमल्स के कुछ ऐसे ऑर्गन है या तो वो अनडेवलप्ड है या यूजलेस है. वो है बॉडी में, या तो वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए या उसका कोई काम नहीं है बॉडी में, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन. अनडेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स. वेस्टिजियल वेस्ट है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर लिविंग इन changing environment is not possible. Instead, existing organs undergo gradual changes. Mostly a specific structure in the body is useful under the certain situation. However, same structure under different situation may become useless or harmful or even harmful. Kuch kuch cheeze kya ho gayi, useless ho gayi ya harmful ho gayi. Such structure begin to degenerate under such situation as per the principle of natural selection. It takes thousands of years for a structure to disappear. Dheere dheere hazaron saalon mein kya ho gaya, kuch structure kya ho gaye, chale gaye. Jaisa aisa bolte ki insaan ko pehle kya thi, पूंछ थी, ऐसा बोलते. और बाद में धीरे धीरे उसका इस्तेमाल कम होते गया और वो डिसअपीयर हो गई हजारों साल में. ऐसा कौन सी थ्योरी बोलती, इवोल्यूशन की थ्योरी बोलती. मैं और तुम नहीं बोल रहे, कौन सी थ्योरी बोलती, इवोल्यूशन. और ऐसे जो ऑर्गन्स जो चले गए उसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते. सच ऑर्गन्स आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपीयरेंस इन डिफरेंट एनिमल्स. सच ऑर्गन दो नॉन फंक्शनल इन सर्टन ऑर्गेनिज्म मे बी फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिज्म, इट इज नॉट वेस्टिजियल इन अदर. कुछ एक कोई चीज है, एक पर्टिकुलर एक ऑर्गन है, वो एक स्पीसीज में काम में आ रहा दूसरे में नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल दूम, बंदर को दूम है इंसान को नहीं है, तो इंसान की धीरे धीरे कट होती गई पर मंकीज को अभी भी है. तो कुछ इसमें काम की है कुछ इसमें नहीं है, ऐसा वो बोल रहा है. अपेंडिक्स इज द यूजलेस टू ह्यूमन, इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल इन रूमिनेंट्स. रूमिनेंट नाम के जो एनिमल से बंदर की जैसे, उसमें काम है वो. यू अपेंडिक्स मालूम है अपने को, कभी कभी बोलते थे पेट दुखता करके अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते है ना, तो एक अपेंडिक्स ये रहता है अपेंडिक्स. एक पेट के अंदर एक एक्सटेंशन है जो धूम के जैसा था, अभी उसका बॉडी में कोई भी काम नहीं है, तो कभी कभी क्या करते उसके वजह से उसको काट के ऑपरेशन करके निकाल देते, कोई फायदा नहीं. स्मॉल इंटेस्टाइन के पास इधर फोटो दिख रहा, वो ह्यूमन बींग्स के वास्ते यूजलेस है पर रूमिनेंट्स के वास्ते नहीं. अभी रूमिनेंट्स का फोटो बताता मैं तुमको. ये देखो ये जो है ये रूमिनेंट्स है, कुछ एनिमल्स इसको रूमिनेंट्स बोले, जिसके रूमिनेंट्स मतलब जिसका क्या बड़ा रहता ये इंटेस्टाइन, लंबा इंटेस्टाइन रहता, इंसान का इंटेस्टाइन छोटा रहता. तो इसमें ये अभी फंक्शनल है, दिस आर ऑल फंक्शनल, यूज हो रहा लार्ज इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन में. यहाँ पे जो ये है वो इस्तेमाल हो रहा है, यूजिंग इट, मतलब वो अपेंडिक्स काम आता है. देखो कैल्सियम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसमें ये उनको काम आ रहा है एनिमल्स को, पर इंसान को काम नहीं आ रहा. तो रूमिनेंट्स को काम आता, इंसान को काम नहीं आता, राइट. रूमिनेंट्स को काम नहीं आता, इंसान को काम नहीं आता, रूमिनेंट्स को काम आता. कौन सा वाला, अपेंडिक्स. अपेंडिक्स इज एब्सोल्यूट वेस्टिजियल ऑर्गन है. तो फिर वेस्टिजियल ऑर्गन अब मतलब क्या हुआ, फिर ये एविडेंस कैसा हुआ, पहले था अब धीरे धीरे उसका इस्तेमाल कम होते गया और अभी नहीं है, तो इवोल्यूशन हुआ ना. हाँ, तो वेस्टिजियल ऑर्गन भी एक प्रूफ है कि एविडेंस के वास्ते के भी इवोल्यूशन होता रहा. चलो नेक्स्ट, अब कौन से इसमें. सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिना विच आर यूजलेस टू ह्यूमन, कानों के
यहाँ पे एक पर्दे थे देखो ये वाले, ये कुछ काम के नहीं है, ईयर मसल्स अभी फिलहाल में काम के नहीं है कुछ, मसल्स ऑफ ईयर पिना विच आर यूजलेस टू ह्यूमंस आर यूजफुल इन मंकीज एंड मूवमेंट ऑफ, पर मंकी को काम आ रहे हो, इवन हाथी तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो है ना, तो पर ह्यूमन ह्यूमन बीइंग ये जो है छोटे छोटे, तुम हाथ लगा के देखो कान के वो देखो तो है क्या, उसका कुछ ऐसा सेंसेशन है पर ऐसा ज्यादा कुछ काम नहीं है उसका कुछ, उसको क्या बोलते हैं मसल्स ऑफ एयर पीना, ओके आर यूजफुल इन मंकीज एंड मूवमेंट ऑफ एयर पीना, वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन कोकिक्स विजडम टीथ एंड बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, और कुछ ऐसे वेस्टिजियल एग्जाम्पल्स है, फॉर एग्जाम्पल टेल बोन, टेल बोन, टेल बोन किधर रहता, हड्डी जो है जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के आखिरी में टेल बोन रहता, इसका भी अभी साइंटिस्ट में मेडिकल साइंस में इसका क्या यूज है ह्यूमन बीइंग को समझ में नहीं आता, सिमिलरली विजडम टीथ ने के 32वां दांत आता ना, तो खाने में काम आते, उसे चबाया जा सकता कुछ ना कुछ, तो क्या फायदा उसका विजडम टीथ, फायदा क्या नहीं समझ में आ रहा, कई बॉडी पे ऐसी जगह पे कुछ हेयर्स है जिसका कोई फायदा नहीं है, बॉडी पे ह्यूमन बॉडी पे कुछ हेयर्स ऐसे है कि जिसका बॉडी को कुछ फायदा नहीं है, सो पर वो है, सो दीज आर ऑल व्हाट वेस्टिजियल ऑर्गन्स, नाम लिख के रखेंगे, लिख के रखेंगे तुम पढ़े, ये लिखेंगे ना एक साथ लिखेंगे ना तुम ये, हाँ तीनों का मैं ये अभी लेके इसके बाद में एक मैं 10 मिनट 15 मिनट का ये करने वाला हूँ, मेरी तरफ से माइक ऑफ करने वाला, आपको तीनों चारों के चार 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 लिखेंगे है ना, और कोशिश ये करने की, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये ड्रॉ करने की कोशिश करने की, ये जो है ना ये फिगर्स ड्रॉ करने की कोशिश करने की, ड्रॉ करने की कोशिश करो, ड्रॉ करने की कोशिश करो, अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करो पेंसिल से, मैंने इसके लिए एक बोला था पेंसिल से, पेंसिल के ऐसे छोटे छोटे पहले क्या करो प्रैक्टिस करते हैं, ये देखो घर पे आज का होमवर्क समझो, ऐसे छोटे छोटे इतने जितने मैं निकाल रहा हूँ वैसे क्या निकालने के, बॉक्स निकालने के और पेंसिल से शेड करने का इसको, और 10 अलग अलग शेड करने के, शेड पेंसिल से कोई डार्क कोई लाइट, 10 शेड करने के, 10 ऐसे बॉक्स बनाने, तो क्या होगा ये फिगर निकालने में आसानी होगी, ऐसे फिगर पेंसिल से तुमको शेड करने में आसानी होगी, हाँ तो फिगर निकालने की कोशिश करने की, कोशिश करने की अभी नहीं, ये होमवर्क है, और ये जो लिखने का ये अभी लिखने का मैं जो रुकूंगा तब, चलो तीसरा हुआ कौन से, पहला मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल हुआ समझ में आया मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा एनाटॉमिकल समझ में आ गया, तीसरा वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन भी प्रूफ है काय का कि भाई इवोल्यूशन होता रहा राइट, ये भी वही है देखो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स है ना, ये क्या है बोन, बोन लाइक स्ट्रक्चर जो पड़े थे वो है ना, हाँ ठीक है चलो, आगे पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंसेस, पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंसेस, अ क्वेश्चन में आ रहा है इन योर पॉइंट दैट व्हिच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर अगो, हाउ कैन वी टेल दिस, नाउ दिस सीक्रेट हैज बीन हिडन इन द अर्थ, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड इन द डिजास्टर्स लाइक फ्लड अर्थक्वेक में, जमीन में पूरे ऐसे दब गए मर गए, और अभी फिलहाल में उसके ढांचे फॉसिल्स अवेलेबल है, जब भी खोदा जाता जमीन में से कुछ निकलता तो ये सारे ढांचे निकलते, अभी भी निकलते, तो हजारों साल पहले एनिमल्स कैसे थे कैसे समझ में आ रहा, ये फॉसिल से समझ में आ रहा, उसको फॉसिल्स बोलते ना, हाँ सो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर लाइक फ्लड अर्थक्वेक वोल्केनो एक्सेट्रा, रेमनेंट्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड, अभी भी है, दे आर कॉल्ड एज फॉसिल्स, फॉसिल्स की डेफिनेशन लिखेंगे, फॉसिल्स की डेफिनेशन लिखेंगे, हाँ अलग से लिखने की, ये तो पॉइंट तो लिखने का है, फॉसिल की डेफिनेशन हम लिखे, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है ओके, तो पैलियोन्टोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या, फॉसिल्स का एविडेंस राइट, कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप्स आफ्टर डेथ ऑफ द डेथ एंड सिंस देन ओनली द डिकम्पोजिंग प्रोसेस ऑफ C14 ऑकर्स कंटिन्यूअसली, इन केस ऑफ डेड बॉडीज द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कॉन्स्टेंट द रेशियो बिटवीन C14 and C12 changes continuously as C12 is non-radioactive. The time passes since the death of the plant or animal can calculated by measuring the radioactive C14 and ratio of C14 to C12 present in the body. This carbon dating method. इसको क्या बोलते हैं कार्बन? बता रहा मैं सिर्फ अभी पढ़ रहा पहले, है ना? He said it is used in paleontological and anthropological for
determines the age of the human fossil and manuscripts. Once the age of fossil has been determined, such a technique, it becomes easy to deduce the information about other erstwhile organism. It seems that vertebrates have been slowly originated from invertebrates. है ना, ये देखो, birds, mammals, इसको zonic era बोलते, reptiles, mesonic era बोलते, amphibia, कौन से साल सबसे पहले कौन से आए? हाँ, ये देखो कौन से कब आए, कितने साल हो गए, invertebrates, invertebrates, उसके बाद में amphibia, फिर reptiles और avian birds बने, है ना, ये कौन सा era था, paleozoic era, सबसे पहले जो जमीन पे चीजें आई वो इस तरह की आई, फिर amphibia आई, फिर मोज़ेक ईरा आया, और फिर अभी बर्ड्स वगैरह आए। तो पहले बर्ड्स नहीं होते थे, उड़ने वाले परिंदे नहीं होते थे, और फिर उन्होंने बोला ना सबसे पहले क्या आया समंदर में, हाँ ऐसा। तो कौन सी चीज़ें, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल एंड फॉसिल्स बता रहे हो, सबसे नीचे जो दबे गए वो ये वगैरह, चलो पढ़ लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपने को पहले एक देख लेते, इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, ये कार्बन डेटिंग की मेथड इन्होंने बताया, आप इसको रेडियो कार्बन वगैरह बोलते। अब ये हो गया कौन सा वाला, ये इसको अच्छे से समझा था मैं आपसे, कौन सा वाला, ये पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलियोंटोलॉजिकल मतलब क्या, फॉसिल्स। अब इंसान जब तक जिंदा है, कोई भी इंसान बोलो या एनिमल बोलो, जब तक जिंदा है उसमें कार्बन का क्या होता, कंजम्पशन चालू रहता, कार्बन का कंजम्पशन चालू रहता। जैसा वो मर जाता, दो तरीके के कार्बन उसके बॉडी में मिलते, एक C14 मिलता और C12 मिलता, C12 मतलब 12 और 14 मतलब 14, मतलब दो न्यूट्रॉन ज्यादा, नहीं क्या, है ना, आपने को मालूम है C14, C हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन H2 भी लिखते हैं अपन, ना ड्यूटेरॉन, फिर हीलियम 3, मतलब हाँ वो मालूम तुमको, अब क्या कार्बन का आइसोटोप है ये, तो 14 कार्बन, 14 या कार्बन 12 दोनों रहते, उसमें कार्बन 14 जो है कार्बन 14, देखो C14 एंड C12 चेंजेस कंटिन्यूअसली एज C12 इज नॉन रेडियोएक्टिव, C12 नॉन रेडियोएक्टिव है, C14 रेडियोएक्टिव है, रेडियोएक्टिव मतलब उसमें से रेडिएशन बाहर निकलते रहते, हाँ वो चेंज होते रहता, और वो रेडिएशन एक साल में कितने निकलेंगे, एक साल में 5 निकलेंगे या 500 निकलेंगे, 2 साल में 700 निकलेंगे, इसका रेशियो फिक्स है, कार्बन कितना रेडिएट होता उसको उसको मालूम है मेरे को कितना रेडिएट होने का, वो हिसाब से रेडिएट होता हो, जैसा बर्फ है, बर्फ अपन ने अगर रूम टेम्परेचर पे पिघलने को रखे तो 1 घंटे में बराबर पिघलेगा, बराबर ना, हाँ तो उसका रेट फिक्स है वो जो, या फिर पानी गर्म करके रख दिया अपन ने और ठंडा होने के लिए रखे तो कूलिंग का रेट फिक्स है, फिक्स है कि नहीं है, उसी तरह से रेडियोएक्टिव, रेडियोएक्टिव मतलब क्या कि आप इसमें से न्यूक्लियस में से कुछ रेज बाहर निकलना, न्यूक्लियस में से कुछ रेज अपने आप बाहर निकलना नेचुरली, इसको रेडियोएक्टिविटी बोलते हैं। तो कार्बन 14 जो है ना उस तरह का मटेरियल है जो मरने के बाद इंसान के बॉडी में रहता और वो धीरे धीरे उसमें से क्या होता रेडिएशन बाहर निकलते रहते। अब कितने टाइम में कितने निकले, सपोज 500 निकले बाहर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बॉडी को मर के 3 साल हो गए, या फिर 5000 निकले मतलब ये बॉडी को डेथ होके 700 साल हो गए, या फिर 3000 रेडिएशन उसमें से निकल के चले, कैलकुलेट कर सकते हैं, 3000 रेडिएशन या 30000 रेडिएशन निकल गए, इसका मतलब 60000 साल उसको मर के वो बॉडी को हो गया। अब ये बॉडी का है खराब क्यों नहीं हुई, क्योंकि क्या होगी वो फॉसिल बन गई, काय के अंदर दबी हुई है, जमीन के अंदर दबी हुई। तो C14 और C12 के कैलकुलेशन से और रेशो से क्या निकाला गया, एज निकाला गया, जिसको कार्बन डेटिंग बोला गया। ये मेथड को क्या बोलते, कार्बन डेटिंग, ये मेथड को क्या बोलते, कार्बन डेटिंग, और इसको क्या बोलते, पैलियोंटोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी, ये साइंस, इसका इस तरह का जो स्टडी किया जाता उसको पैलियोंटोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। और एज की ये देखो, वंस द एज ऑफ द फॉसिल हैज बीन डिटरमाइंड बाय सच टेक्निक इट बिकम्स वेरी इजी टू रिड्यूस द इंफॉर्मेशन अबाउट द एर्स्टवाइल। अगर फॉसिल का अगर एज मालूम पड़ गया तो वो बॉडी कितने साल पुरानी है वो निकालना बहुत आसान है, वही तो किए उन्होंने, है ना। ये सारा फॉसिल, फॉसिल मतलब क्या उसकी डेफिनेशन यहाँ पे, अब 4 चीजें हुई तुम्हारी, 4 एविडेंसेस हुए, यहाँ पे 4 एविडेंस को मैं रुक रहा हूँ क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ये कौन से ईरा में कौन सा था, है ना, फॉसिल्स में, ये भी तुमको समझ, किसका कितने साल, इसको ज्यादा साल में मिला, इसके रेडिएशन ज्यादा मिले तो इसका मतलब कई सालों से दबे पड़े, तो ये 4 नाम भी याद रखने पड़ेंगे तुमको। और कौन से कैटेगरी में कौन सा आता, एवेज बर्ड्स मैमल्स कौन से में आता, हाँ सीनोजोइक ईरा, तो ये मैच द फॉलोइंग, ये भी लिखने के, फिगर निकालने की, इसका ये एकदम अच्छे से। अब ये समझो कि मैं ये ऐसा समझो कि मैं ये होमवर्क दे रहा तुमको, अब ये इंट्रोडक्शन
किसको नोबेल प्राइज मिला ये C14 के बारे में, विलियर लीबी नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये कार्बन डेटिंग की मेथड ढूंढ के निकाला। कार्बन डेटिंग की मेथड किसने ढूंढ निकाला? विलियर लीबी, 1960 में उसको नोबेल प्राइज मिला। उसका जर्नल, उसका नाम था, उसने जो चैप्टर का नहीं क्या किताब लिखा था उसका नाम था रेडियो कार्बन, रेडियो कार्बन। ठीक है, चार चीजें एकदम परफेक्ट समझ में आई, चारों चीजों को एकदम अच्छे से लिखने का, एकदम अच्छे से, एकदम परफेक्ट। किताब नीचे ऊपर वो तुम्हारे पास है सॉफ्ट कॉपी, अच्छे से लिखो। मेरे को PDF चाहिए इसका, अभी मैं रुक रहा हूँ, क्लास आगे मैं पढ़ा सकता पर क्या है प्रॉब्लम हो जाएगी। दो बचे कनेक्टिंग लिंक्स, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, कनेक्टिंग लिंक, एम्ब्रियोलॉजी खत्म, डार्विन थ्योरी आ गई, बाकी तो सिंपल है सब, ह्यूमन इवोल्यूशन है सिर्फ, है ना। चैप्टर खत्म हो जाएंगे, कल करेंगे, करके मैं आज नहीं तो फिर अभी करें तो आज खत्म हो जाएगा, फिर फायदा नहीं होगा, राइट। चलो चार लिखेंगे, चार एविडेंसेस लिखेंगे, हैंड रेस करके बोलो। ऐसा कुछ है कि चार में से कोई समझ में नहीं आया, मेरे को बोलो चार में से समझ में नहीं आया, नहीं ऐसा करो, हैंड लोअर योर हैंड प्लीज, लोअर योर हैंड प्लीज, लोअर योर हैंड प्लीज। चार में से अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को बोलो, चलो वो हाथ ऊपर करेगा जिसको समझ में नहीं आया। धनश्री को समझ में नहीं आया, अच्छा आया, ओके। तो मतलब चारों को एकदम परफेक्ट, एकदम 10 मिनट 15 मिनट जो भी है, मैं क्लास अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा, मैं बंद कर रहा हूँ, तुम्हारा काम है होमवर्क चारों का एकदम परफेक्ट लिखने का और फिगर निकालने के, दोनों काम करने के। और जो छोटे छोटे डेफिनेशन है जैसा फॉसिल का डेफिनेशन है ना, इसका डेफिनेशन, उसका डेफिनेशन, फिर बाद में एम्फीबिया मतलब क्या, रेप्टाइल्स मतलब क्या, इनवर्टिब्रेट्स मतलब क्या, बाद में कौन से पैलियोलिथिक ईरा में कौन कौन थे, एम्फीबिया पीसेस और इनवर्टिब्रेट्स थे, है ना, हाँ, तो किस में कौन थे, वो सारा एकदम परफेक्ट लिखने है, एकदम परफेक्ट। और PDF मेरे को चाहिए, PDF चाहिए मतलब चाहिए। अभी क्लास ऑन रखो, जब तक ऑन रहेगा तब तक बीच में मैं आके देखते रहूंगा क्या है, किसको भी सवाल पूछूंगा क्या है क्या नहीं। चालू रखो और जब बंद हो जाएगा तब देखते, आज ना ये चारों हो जाना चाहिए। चलो एक साथ शुरू करेंगे, शुरू कर। मलिया तुमको भेजना है, तुमने दो दिनों से होमवर्क भेजा नहीं है, ये PDF मेरे को परफेक्ट बना के भेजनी थी चारों की। अब टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट वगैरह चालू करेगा तुम इंशाल्लाह।
कर सकते ना, कर सकते ना। हाँ अब ये एक मिनट में बंद हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा तो बंद, कल फिर वापस अपना शुरू करेंगे वापस कल। और फाइजा को बोलना पड़ेगा कि भाई क्लास अटेंड करो, क्लास मिस मत करो। हाँ रिक्वेस्ट कर, मैं तुमको मालूम मैं कैसा पढ़ाता, देखा ना तुमने, आधे घंटे में क्या हो जाता है, किधर से किधर दिमाग निकल जाता है। हाँ आसान नहीं है रिजवान सर, मुझे आधे घंटे में पूरी एकदम छप जाती किताब। क्लास मिस नहीं करने के मलिया, दुनिया इधर की उधर हो जाए, क्लास मिस नहीं करने। बंद हो जाएगा उसके बाद में बंद कर देंगे इंशाल्लाह, कल 8 बजे वापस क्लास में। कल शायद थोड़ी देर में मैं खत्म करेंगे इसको, चैप्टर को मैं बोला ना 2 दिन में मैं चैप्टर खत्म करूँ।